गिरिडीह के समन्वय संस्था मरियम बालगृह से 11 लड़कियों को शिफ्ट कराया गया है। साथ ही बालगृह को सील करने की कार्रवाई भी जारी है और सवालों के घेरे में समाज कल्याण विभाग भी है। आरोपी संचालिका और बेटा दोनों ही फरार चल रहे हैं। सुनसान इलाके में संचालित गिरिडीह के बालगृह से सोमवार को 11 लड़कियों को दुमका और धनबाद के बालगृह में शिफ्ट कराया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा बालगृह पिछले एक वर्ष से पचम्बा के मोहनपुर में सुनसान इलाके में एक दो मंजिला इमारत में चल रहा था। दो मंजिला इमारत एक सरकारी छात्रावास था, जिससे एक वर्ष पहले समाज कल्याण विभाग ने बालगृह का स्वरूप देकर इसमें वैसी लड़कियों को आश्रय गृह बना दिया। इधर शिफ्ट की गई लड़कियों में एक गर्भवती भी शामिल थी। उसे जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम ने मेडिकल उपचार के लिए अपने साथ भी ले गई हैं। वही संचालिका और उसका बेटा दोनों ही फरार चल रहे हैं। वैसे इस बालगृह से जिन 11 लड़कियों को दूसरे जिलों में शिफ्ट कराया गया है, उसमें 6 लड़कियां 8 से 10 वर्ष की हैं, जबकि 5 लड़कियों की उम्र 16 से 23 वर्ष के करीब है। वैसे इस पूरे मामले में समाज कल्याण विभाग भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि बालगृह में रहने वाली लड़कियों पर पिछले एक वर्ष से संचालिका शोभा कुमारी जुल्म करती रही हैं, तो उनका बेटा अभय आनंद भी कम नहीं था। नाइट गार्ड की ड्यूटी करने वाला अभय आनंद बालगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे को अपने मोबाइल और लैपटॉप से कनेक्ट कर लड़कियों की अश्लील तस्वीरें रखता था। संचालिका द्वारा लड़कियों को सही तरीके से न तो खाना दिया जाता था और न ही सारी सुविधा दी जाती थी, जबकि बालगृह के दूसरे एंट्री गेट पर तीनों वक्त के भोजन का मेन्यू भी लगा हुआ था। इसके बाद एक साल से लड़कियां सब कुछ सह कर रह रही थी। इसकी सारी जानकारी एक वर्ष पहले ही बाल संरक्षण समिति और CWC ने समाज कल्याण विभाग को जांच रिपोर्ट में दिया था। इसके बाद भी समाज कल्याण विभाग ने कार्रवाई के लिए कोई पहल नहीं किया। इसके पीछे भी वजह रही संचालिका शोभा कुमारी का रसूखदार होना। गिरिडीह से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।